Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see the problem on turned buckle. In previous lecture, we see the design of various learning outcomes of today's lecture are learner should be able to design turnbuckle for given load and stress and must able to find out different dimension of turnbuckle. Various program outcome achieved in today's lecture is PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9, PO10 and program specific outcome is PSO1, PSO2 and PSO3. Before starting the problem, here pause the video, write all these steps on one page and while solving the problem, you see the video और आपको क्या करना है, हर एक step लेके problem को solve करना है, then and then only you can understand the problem. Otherwise आप video देखेंगे और आप solve नहीं करेंगे video देखते देखते तो आपको problem solve करते नहीं आएंगे, because मैंने आगे में डाला है problem इंडिविजुअली सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप, तो आपको भी उसी तरीके से मेरे ही साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ये स्टेप को लेके. तो पहले आप ये स्टेप नोट डाउन कर लो, यहाँ पे वीडियो पॉज करो, देन स्टार्ट द वीडियो एंड स्टार्ट द प्रॉब्लम. टुडे वी सी प्रॉब्लम ऑन टर्न बकल और टायर रॉड्स. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, द पुल इन द टायर रॉड ऑफ एन आयरन रूप ट्रस इज 50 kN. नाउ डिजाइन अ सुटेबल एडजस्टेबल स्क्रू जॉइंट. द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर 75 MPa इन टेंशन, 37.5 MPa इन शियर एंड 90 MPa इन क्रशिंग. तो आपको यहाँ पे जो टर्न बकल या टायर रॉड डिजाइन करना है ये कितने लोड के लिए, 50 kN के लिए. दैट्स वाई मेरा लोड जो है ये कितना लिया है मैंने, 50 kN जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ. देन द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर 75 MPa इन टेंशन, तो टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी कितना है आपका, 75 MPa. देन 37.5 MPa इन शियर, मतलब शियर स्ट्रेस कितना गिवन है आपको, 37.5. और 90 MPa इन क्रशिंग, मतलब क्रशिंग स्ट्रेस कितना गिवन है आपको, 90 MPa. नाउ अभी मेरी जो फर्स्ट स्टेप रहेंगी दैट इज अ डिजाइन ऑफ टायर रॉड और डिजाइन लोड. कह रहेंगी टू फाइंड डिजाइन लोड दैट इज पीडी. तो ये पीडी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1.3 इंटू पी. तो P मतलब कौन सा हो गया है, लोड. मुझे कितने न्यूटन के लिए डिजाइन करना है ये रॉड, 50 के लिए. 1.3 इंटू 50 इंटू 10 to the power 3 इज इक्वल टू 65 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज डायमीटर ऑफ द टाई रॉड. तो इसके लिए स्ट्रेंथ इक्वेशन क्या रहता है, पीडी इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू DC² इंटू सिग्मा टी. तो यहां पे पीडी की वैल्यू कितनी है, 65 इंटू 10 to the power 3 जो मैंने यहां से लिया है, इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू DC² इंटू सिग्मा टी की जो वैल्यू गिवन थी आपको कितनी थी, 75. देन फ्रॉम दिस इक्वेशन DC² इज इक्वल टू 65 इंटू 10 to the power 3 इंटू 4 इधर जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई इंटू 75. तो इसी इक्वेशन से मुझे डीसी की जो वैल्यू मिलेंगी वो मैं यहां पे अभी कैलकुलेट कर रहा हूं. देखिए आप 65 इंटू 10 to the power 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय
shift of pi into 75 under root of answer. तो यह आया 33.21. That is nearly equal to 34.093 mm from table number 11.1 in design book of R.S. खुर्मी. और D की वैल्यू कितनी रहती है? 39 mm. जैसे आप यहां पे देख रहे हो खुर्मी गुप्ता पेज नंबर 388, यहां पे कितना दिया है? 33.093 है क्या? नहीं है. तो यहां पे 33 के बाद नेक्स्ट हायर वैल्यू कितनी है? कोर डायमीटर 34.093. और उसके लिए जो मेजर डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर ऑफ द थ्रेड रहेगा ये कितना है? 39 mm. तो इन दिस वे वी कैन सिलेक्ट दिस डायमीटर, दैट इज DC इज इक्वल टू 34.093 और D इज इक्वल टू 39 mm. दिस इज, यहां पे मैं लिख देता हूं पेज नंबर 388. Now the second step is length of the coupler nut. तो आपको पता है coupler nut जो fail होता है वो कौन से stress में होता है? Shear stress में. तो इसका जो length है मैं किससे denote करता हूँ? Small l से. तो इसके लिए जो strength equation क्या रहता है? PD is equal to pi DC into l इंटू टाव. तो पीडी की वैल्यू पता है आपको कितनी है? 65 × 10⁻³ पाई. डीसी की वैल्यू अभी निकाली है आपने, 34.093 फ्रॉम द टेबल, इंटू लेंथ जो मुझे निकालना है, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? 37.5 MPa. तो इससे मेरा लेंथ कितना आएगा? अभी देखिए, 65 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय शिफ्ट ऑफ पाई इंटू डीसी की वैल्यू आई है 34.093 इंटू 37.5. तो ये आया है मेरा 16.18 mm. बट बाय इंपेरिकल रिलेशन एल इज इक्वल टू कितना रहता है? डी टू 1.25 इंटू डी. तो एल इज इक्वल टू कितना लूंगा मैं यहां पे? 39 mm. बिकॉज यहां पे आप देख रहे हो डी की वैल्यू कितनी है? 39. तो एल कितना हो गया मेरा? 39 mm. तो आपको देखना है ये दो वैल्यू में से जो हायर वैल्यू रहेंगी वही आपको कंसिडर करना है, दैट इज अ लेंथ ऑफ द कपलर नट. तो मैं कौन सा कंसिडर करूंगा? लेंथ ऑफ कपलर नट इज अ 39 mm. Now the third step is outside diameter of the coupler nut. तो ये denote करते हैं अपन capital D से. देन आपको पता है जो कपलर नट है ये टेंसाइल स्ट्रेस में फेल होता है. तो उसके लिए मेरा स्ट्रेंथ इक्वेशन क्या रहेगा? पीडी इज इक्वल टू पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इनटू सिग्मा टी. देन पीडी की वैल्यू गिवन है आपको 65 × 10³ जो आपने पहले स्टेप में निकाली है. पाई बाय 4 कैपिटल डी की वैल्यू मुझे निकालनी है. डी की वैल्यू कितनी आई है? 39 होल स्क्वायर, दैट इज अ नॉमिनल डायमीटर. सिग्मा टी की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू 75 MPa.
तो यहां पे मुझे डी स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेंगे, 65 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 75। ये पाई इधर आ गया, 75 इधर आ गया, इसलिए इधर इक्वेशन मिला। देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 65 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 75 प्लस 39 होल स्क्वायर। दैट्स वाई फ्रॉम दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 65 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय शिफ्ट ऑफ पाई इंटू 75 प्लस 39 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर, ये आ रहा है 51.22 mm। कितना है ये, 51.22 mm। तो ये क्या हो गया मेरा आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कपलर नट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप दैट इज द फोर्थ स्टेप दैट इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कपलर। तो ये किससे डिनोट करता हूं मैं, दैट इज अ कैपिटल डी टू, और इसका इनसाइड डायमीटर कितना रहता है, डी वन इज इक्वल टू रहता है डी प्लस 6 इज इक्वल टू 39 प्लस 6 इज इक्वल टू 45 mm। देन इसके लिए स्ट्रेंथ जो इक्वेशन रहता है दैट इज पीडी इज इक्वल टू पाई बाय 4 कैपिटल डी टू स्क्वायर माइनस स्मॉल डी वन स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। तो पीडी की वैल्यू मुझे पता है 65 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी टू की वैल्यू मुझे निकालना है, यहाँ पे डी वन की वैल्यू मैं यहां से लूंगा इंटू सिग्मा टी कितना है 75। देन इस इक्वेशन से मिलेगा मुझे डी टू स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर इज इक्वल टू 65 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 75। तो अभी इक्वेशन से मिलेगा मुझे डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 65 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइड बाय पाई इंटू 75 प्लस 45 स्क्वायर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा डी टू का। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी, 65 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई इंटू 75 प्लस 45 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर। तो यह आया मेरा 55.93 mm। तो इसको कितना कंसिडर करना है मुझे, 56 mm, या फिर मैं इसको 60 भी कर सकता हूं, दैट इज अप टू यू। देन फिफ्थ स्टेप इज लेंथ ऑफ द कपलर बिटवीन नट्स। देन इसके लिए जो इम्पेरिकल रिलेशन रहता है आपने देखा है डिजाइन स्टेप में, 6 इंटू डी दैट इज 6 इंटू 39 इज इक्वल टू 234 mm। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिजाइन ऑफ द टर्नबकल, जिसमें मैंने क्या क्या फाइंड आउट किया, डीसी फाइंड आउट किया, डी फाइंड आउट किया, एल फाइंड आउट किया, डी फाइंड आउट किया, डी वन फाइंड आउट किया, डी टू फाइंड आउट किया और एल फाइंड आउट किया। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम ऑन द टर्नबकल। Unit outcome achieved in today's lecture, that is, write the design procedure for given joint. Here, we are able to write the design procedure of turnbuckle and solve the various dimension of turnbuckle. The summary of today's lecture,
Here we find out the different dimension of turnbuckle for given load and stresses. The various program outcome achieved in today's lecture are, first one is the PO1. Why PO1? Because we are using the basic science and mathematical knowledge to calculate the various stresses acting in the turnbuckle. Then PO2 is also satisfied because here we are using the basic engineering knowledge to calculate the various stresses acting in the turnbuckle. PO3 is also satisfied because we are performing various experiments on the turnbuckle. PO4 is also satisfied because students are able to understand the stresses in the turnbuckle. PO5 is also satisfied because we are taking the safety precaution while designing the turnbuckle. PO8 is also satisfied because here students are work in a team member for solving the designing issue. PO9 is also satisfied because students are able to communicate his knowledge to its peers. PO10 is also satisfied because student can use this knowledge through lifelong. PSO1 is also satisfied because student can able to use the various software like CATIA and SysProvi to designing the joint. PSO2 is also satisfied because analyze the joint to calculate the various types of stresses. So like here student can analyze the turnbuckle to analyze the different stresses acting in the turnbuckle. PSO3 is also satisfied because students are able to select the turnbuckle for various application in the mechanical engineering. The important question asked in MSBT exam is, the pull in the tie rod of an iron roof truss is 100 kN. Design a suitable turnbuckle, adjustable screw joint. To stop, the permissible stress are 75 MPa in tension, 37.5 MPa in shear and 90 MPa in crushing. Use the following data for ISO screw thread for screw, bolts and nuts for core series. Here the load is a different and this value is a different. The problem kya rahega aapka? Same rahega jaise aapne abhi solve kiya hai. To solve this problem as a assignment. In next lecture, we see design of lever and type of lever. Thanks. For any query, contact to me at 9359877398.